हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी अब आ गई है। पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे और सीधे वहाँ पोर्टिको में गाड़ी जा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं और सिंधिया का बीजेपी ऑफिस में आना, ये एक बड़ी खबर है। ये मामूली नेता नहीं है कांग्रेस के, सिंधिया आप देख पा रहे होंगे, सिंधिया यहाँ आए हुए हैं, लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और मीडिया इतनी बड़ी संख्या में आज देखने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ऑफिस आ चुके हैं, थोड़ी देर में बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ आएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम हम आपको लिए चलेंगे जहाँ पर आज उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। और ये जो आपने देखा ये गेट, इसी गेट से वो अंदर किए गए हैं, मीडिया की वहाँ एंट्री रोक दी गई उस दरवाजे से, हम दूसरे दरवाजे से वहाँ जाएंगे और अब इंतज़ार हो रहा है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का। और उसके बाद वो जो 12:30 बजे पहले खबर दी गई थी कि जेपी नड्डा के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, वो अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीर हम सबके सामने होगी। तो चलते हैं हम उस तरफ। बिल्कुल पंकज, आप उस तरफ बढ़े हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के इस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही देर में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद और वही प्राथमिक सदस्यता दिलवाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो आज का यह दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो कल तक कांग्रेस के चेहरे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता भी कांग्रेस के धाकड़ नेता हुए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के हो जाएंगे। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, थोड़ी देर में वो प्राथमिक सदस्यता ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी की। और आप देख सकते हैं जो बीजेपी का दफ्तर है, किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है, तमाम मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद। और ये वो कमरा जहां पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है, आप देखिए खचाखच भरा हुआ ये रूम, तमाम मीडियाकर्मी पहले से वहां पर मौजूद हैं और इसी मंच पर इंतजार किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और उनके साथ होंगे जेपी नड्डा भी। खबर इस तरह की भी आई थी कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी यहां पर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पंकज झा के पास, हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। पंकज, जी हाँ अखिलेश, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल उधर है और ये वो रास्ता जो हम आपको पहले बता रहे थे, हम कहेंगे दिखाने के लिए, और वहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस रास्ते से होकर जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ से बिल्कुल बगल में है, जो बिल्कुल पैक है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इसी रास्ते से होकर जाएंगे। सुरक्षा के लोग यहाँ रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक लंबे अरसे बाद हो रहा है कि बीजेपी के दफ्तर में इतनी भीड़ लगी है, मीडिया के लोग भी, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे हुए हैं इस पल को देखने के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह की हलचल, किस तरह की गहमा गहमी वहां पर नजर आ रही है। अगर आपके आसपास विकास भदौरिया भी हो तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए कि आगे पूरा क्या कार्यक्रम अभी रहने वाला है और कब तक इस मंच पर हम देखेंगे तमाम बड़े नेताओं को। अखिलेश माफ करिएगा, जब हम उधर पोर्टिको की तरफ जा रहे थे तो विकास किसी दूसरी तरफ हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको इस इलाके में बीजेपी हेडक्वार्टर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं उस। तो हमारा संपर्क टूट गया है, उसके बाद वो अपने मन की बात करेंगे, आखिर 18 सालों तक जिस पार्टी में रहे, उनके उनके पिता आधार और सिंधिया उस पार्टी में रहे कांग्रेस में, आखिर। तो पंकज से किसी तकनीकी खामी की वजह से बार बार संपर्क टूट जा रहा है, उनके पास हम चलें। उससे पहले जरा नीरज पांडे का भी रुख कर लेते हैं, यहीं पर उस कमरे के अंदर मौजूद है नीरज पांडे भी जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नीरज, बस थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौन कौन वहां पर नजर आने वाले हैं बड़े चेहरे?
थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे तो वो खुद अपनी लैंड रोवर कार चला रहे थे। पोर्च में पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन धीरे से उन्हें सिक्योरिटी उनको लेकर अंदर गई और फिलहाल वो जेपी नड्डा के कमरे में मौजूद हैं। जेपी नड्डा चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, उनको उनके भी पहुंचने का समय है, दो चार मिनट में वो भी पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद आपको बता दूं, वो जो दरवाजा आपको मैं दिखा रहा हूं, मेरे उंगली की तरफ मैं इशारा करूंगा अपने कैमरा मैन, तो ये जो दरवाजा खुल रहा है आप देखिए, वहां पे ये बुके भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, वो बुके लेकर आ रहा है सीधा, वो बुके भी आ चुका है और यहीं से आएंगे सीधा इस मंच पर आएंगे, जहां पर आप देखिए पांच कुर्सियां लगी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये मंच है जहां पे पांच कुर्सियां लगी हुई हैं। इस एक कुर्सी में खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठेंगे, उनके एक तरफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो बीडी शर्मा है वो बैठेंगे, और मध्य प्रदेश के प्रभारी बैठेंगे जो विनय सहस्रबुद्धे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रभारी अरुण सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, जो इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अब कुछ ही क्षण में आप देख सकते हैं दरवाजा खुला हुआ है, सिक्योरिटी लगी हुई है, सिक्योरिटी ने एक बकायदा चेन बना, ह्यूमन चेन बना रखी है कि ताकि कोई भी उनको टच ना करे। मीडिया भी चूंकि बहुत बड़ी संख्या में यहां मौजूद है, मीडिया भी चाहती है कि कुछ शब्द ज्योतिरादित्य सिंधिया से बुलवाए जाएं, तो इस वजह से यहां पे एक बड़ी संख्या में सिक्योरिटी लगाई गई है और धीरे से उनको यहां पे लाया जाएगा। फिलहाल वो जेपी नड्डा जी के कमरे में मौजूद है, अभी जेपी नड्डा जी का इंतजार चल रहा है, कुछ ही पल में वो भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद सीधे इसी रूम में लाया जाएगा और उनकी बाकायदा फॉर्मल ज्वाइनिंग होगी। कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर में भाजपाई हो जाएंगे, भगवादारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं नीरज, 18 सालों का कांग्रेस का उनका साथ, करीब करीब दो दशक आप कह लीजिए, बहुत लंबा समय होता है किसी भी नेता के लिए किसी पार्टी में अगर वो रह जाए। और दूसरी बात यह भी कि उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता हुए, धाकड़ नेता हुए, ऐसी स्थिति में अगर वो बीजेपी में आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस के लिए बड़ी हार है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि इतनी ज्यादा गहमा गहमी हम वहां पर देख रहे हैं आपके पीछे नीरज? निश्चित रूप में गहमा गहमी बहुत है, बहुत लोगों को इंतजार है, न सिर्फ मीडिया को, उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हैं, जो बाहर लॉन की तरफ और बाहर जो खाली पोर्च है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे भी जो पदाधिकारी और यहाँ पे जो कार्यालय को देखरेख करने वाले सारे लोग, उन लोगों को भी इंतजार था कि कितनी देर में पहुंचे। पहले ये निर्धारित किया गया 12:30 बजे से, फिर उसके बाद 1:30 बजे इसको किया गया, फिर 2 बजे किया गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और वो भी एक कारण था, माना जा रहा संसद में एक अहम बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें उस बैठक में शामिल थे, 2 बजे तक उनकी व्यस्तता अपनी थी। उसके बाद जैसा कि पहले बताया गया कि 2 बजे के बाद वो कभी भी वहां से निकल सकते हैं, तो 2 बजे के बाद थोड़ी देर बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले, यानी कि उनको सिग्नल हुआ होगा कि अब आप निकलिए क्योंकि अब हम लोग भी खाली हो गए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग के लिए कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको ज्वाइन करा रहे हैं, तो इससे ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए नीरज, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। जी जी, तस्वीरें दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए, पंकज झा भी वहीं पर मौजूद है इसी ऑडिटोरियम में। पंकज, अब एक सवाल यहां पर यह भी है, आप वहां पर जो देख रहे हैं वो तो दर्शकों को आप बताते रहे, लेकिन अब सवाल एक बड़ा यह भी खड़ा हो गया है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब तक राहुल गांधी के साथ नजर आते रहे सदन में, जो बीजेपी पर हमलावर रहे अपने भाषणों में, आज वो जब जेपी नड्डा के साथ, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों के साथ इस मंच पर नजर आएंगे, वो कैसा पल होगा, आपकी कैसी अनुभूति होने वाली है आज? तो पंकज से संपर्क टूट गया शायद, दोबारा हम चले उनके पास। इससे पहले ये आपके सामने तमाम तस्वीरें हैं, हालांकि कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार के अंदर मौजूद थे, अब वो अंदर जा चुके हैं। इस वक्त वो मौजूद हैं जेपी नड्डा के कमरे में, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा बस थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये तमाम नेता वहीं पहुंचेंगे इस मंच पर। जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, यहीं पर यह कार्यक्रम होगा, मीडिया के कैमरों के सामने वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि बहुत जल्द उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया जाए बीजेपी की तरफ से। अब देखना यह अहम होगा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोलते हैं, क्योंकि जब से यह पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। कल भी जब वो कैमरों के सामने आए तो 9 बार होली की शुभकामना तो उन्होंने दे दी, लेकिन एक शब्द भी अपने इस मुंह पर, इस घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। और नीरज पांडे के पास ही एक बार फिर से हम चल लेते हैं, यहीं पर वो मौजूद है। नीरज, क्या आपके आसपास विकास भदौरिया भी दिख रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए आज के इस घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं।
जी बिल्कुल, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल विकास तो कहीं नजर नहीं हमें आ रहे हैं यहाँ पे इस हॉल में, शायद वो बाहर की तरफ होंगे, क्योंकि बाहर भी जितनी गहमा गहमी अंदर है, हमको सबको इंतजार उतना बाहर, उससे ज्यादा लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आए, क्योंकि काफी लंबा समय, खुद कल जब यशोधरा राजे सिंधिया से हमारी बात हो रही थी अखिलेश, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि हम लोग तो अपने भाई साहब यानी कि महंत माधवराव सिंधिया साहब को लाना चाहते थे, उनकी मां भी चाहती थी विजया राजे सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन उस समय वो कांग्रेस से अपना तोड़ने नाता तोड़ने का फैसला नहीं ले सके थे। लेकिन आज सिंधिया परिवार को खुशी है कि कम से कम जो काम उनके बड़े भाई ने उनके भाई नहीं कर पाए, माधवराव सिंधिया नहीं कर पाए, वो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, यानी कि 18 साल का लंबा जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा उसको तोड़कर आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि सिंधिया परिवार अब एक मंच पर दिखाई पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई पड़ेगा। तो आज जिस पल का इंतजार सभी सिंधिया समर्थकों को था कि आज वो भाजपा में शामिल होंगे, भाजपा के भी तमाम नेता बहुत दिनों से चाहते थे कि सिंधिया परिवार का जो एक सदस्य कांग्रेस में है वो आ जाए, आज वो भी साकार हो रहा है, और सिंधिया साहब खुद आज यहाँ पे पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और थोड़ी देर में इस मंच पर आकर जब वो कमल का पटका अपने कंधे पे पहनेंगे तो ऑफिशियली वो भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, भगवाधारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे, क्योंकि अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जो छवि रही है वो सॉफ्ट हिंदू की रही है, हिंदुत्व की रही है, और चंबल एरिया में उनका बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत लोगों में उनकी अपनी पकड़ है, लोग उन्हें राजा के नाम से जानते हैं, महाराज कहते हैं, तो निश्चित रूप में न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ा एसेट मिलने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका अपना अच्छा खासा कद है, और कांग्रेस में भी जो टॉप लीडरशिप आप मानते थे उसमें ज्योतिरादित्य चाहते थे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आज पहुंच रहे हैं आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, झटका तो है। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरी सिंधिया परिवार के नेता थे जो कांग्रेस में थे, वो भी बीजेपी में आ जाएंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ तो इसे घर वापसी कह रही हैं। जी बिल्कुल, कल मेरी जब बात हुई यशोधरा राजे सिंधिया से तो उन्होंने साफ तौर कहा कि इससे बड़ी खुशी कुछ होगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पार्टी में दो बुआ उसकी हैं, ऑलरेडी उसके इन-लॉज हम पार्टी में हैं, और जब वो हमारी पार्टी में आएंगे तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग उनको संभाल लेंगे, हम लोग एक बच्चे की तरह अपनी पार्टी में उनको संरक्षण देंगे और उनको आगे मौका देंगे। तो ये यशोधरा राजे के कल शब्द थे कि हम इन-लॉज पहले से ही भाजपा में हैं, हमारी पार्टी है भाजपा, और वो हमारे से अलग थे, कई बार अकवर्ड स्थित महसूस होती थी कि जब मंचों पे हम लोग जाते थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब हमारे सामने आते थे तो परिवार बीइंग ए फैमिली मैन हम लोग उनको गले तो लगाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति अकवर्ड रहती थी क्योंकि वो कांग्रेस में थे और हम भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज वो भी स्थिति साफ हो गई है, हमारे लिए अच्छा संदेश है, और अब हम लोग जल्द ही एक मंच पर नजर आएंगे। तो निश्चित रूप में सिंधिया परिवार अब एक ही पार्टी का हो गया, भारतीय जनता पार्टी का ही हो गया है, तो ये परिवार के अन्य लोगों के लिए भी बिल्कुल। नीरज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि मंच पे पीछे कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है, क्या कैमरे की निगाह से हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, ये मंच है, मंच पे आप देखिए पहले 5 कुर्सियां थी, 2 कुर्सियां और बढ़ाई गई हैं, इसका मतलब है कम से कम 7 लोग अब बैठेंगे, 2 कुर्सियां एक्स्ट्रा रखी हैं कि जरूरत पड़ने पर लोग बैठा दिए जाएंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि 5 कुर्सियां लगाई गई थी, 2 और लगाई गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे ऑफिस वियरर्स हैं, ऑफिस के लोग हैं जो इस व्यवस्थाओं को देखते हैं, व्यवस्थापक हैं, उन लोगों ने 2 कुर्सियां और लगाई हैं, बुके पहले से आ चुका है, पटका पहले से आ चुका है, ताकि जब यहाँ पे जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे वहां पे तो जो बीच की कुर्सी है यानी कि बीच की चौथी कुर्सी है, दोनों तरफ से 3 इधर 3 इधर, उस बीच की कुर्सी में तो खुद जेपी नड्डा पहुंचेंगे, बैठेंगे, क्योंकि भाजपा के वो चीफ हैं, और उनके अगल बगल बाकी जो पदाधिकारी बैठेंगे, माना जा रहा है एक तरफ जेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे नड्डा जी के, और दूसरी तरफ जो प्रभारी महासचिव हैं, प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, विनय सहस्रबुद्धे, वो बैठेंगे, भाजपा के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा वो बैठेंगे, कुछ और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बैठ सकते हैं। नीरज, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, हमारे दर्शकों को तमाम तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, लेकिन पंकज झा हमारे सहयोगी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा जब यहाँ पर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पहले तो मैं दिखा दूं फिर से एक बार, लेकिन इस बीच में ही हम चर्चा करते रहेंगे। ये जो इलाका है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां पर इंतजार हो रहा है, जरा एक अंदर के कमरे की एक बार और से झलक दिखा देंगे कितना पैक्ड है, कि एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी ऑफिस में इस तरह की चहलकदमी दिख रही है। वो इसीलिए दिख रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है और सिंधिया एक बेहद खास नेता है कांग्रेस के। लोग कहते हैं कि जितना कम्फर्ट जोन उनका राहुल गांधी के साथ था, वो लगातार उनके कहते हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों से उनके इतने करीबी रिश्ते थे कि फोन कॉल पर दोनों मौजूद रहते थे। इतना करीबी रिश्ता कांग्रेस के किसी नेता का राहुल गांधी से नहीं रहा है। वो सिंधिया घराने से भी आते हैं और वो बड़ा नेता, अभी आपने देखा था यूपी में किस तरीके से उनको पार्टी की कमान सौंपी गई थी, वो सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद से सुगाहट तेज हो गई है। आपने देखा होगा जो पीएल पुनिया है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी रहे, उन्होंने भी लिखा कि अगर इस तरह की घटना होती है, अगर इस तरह के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो पार्टी के थिंक टैंक को, पार्टी के जो लोग हैं बड़े नेता हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर इस तरीके से कांग्रेस में क्यों हो रहा है। तो सवाल तो उधर भी शुरू हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और आजकल डिसिडेंट हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस को आत्ममंथन तो करना ही होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि एक तो बड़ा नेता होता है और दूसरा राजदार होता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ उनकी काफी नजदीकियां रही और ऐसे में अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए इस वक्त की तमाम तस्वीरें आपके सामने है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है उसी ऑडिटोरियम में, जहां कुछ ही देर में आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर नजर आएंगे और साथ में होंगे जेपी नड्डा। कब यह कार्यक्रम शुरू होगा, कुछ और अपडेट आपके पास है नीरज इस वक्त? देखिए कार्यक्रम की अब समय की कोई कंफर्मेशन नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह कार्यक्रम तो आमतौर जो ऑफिशियली था वो 12:30 बजे ही होना था, लेकिन लगातार बढ़ता गया और अब करीब करीब 3 बजने वाले हैं, मात्र 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। तो अब यही मान के चलते हैं कि शायद अगले 10 मिनट में यह कार्यक्रम शुरू हो जाए, यानी कि 3 बजे उनकी ऑफिशियली ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि 12:30 बजे का जो निर्धारित कार्यक्रम है, पहले 1:30 बजे हुआ, 2 बजे हुआ, 2:30 बज गए, अब यहाँ पे 3 बजने वाले हैं, यानी कि मात्र 10 मिनट बाकी हैं 3 बजने में और ये कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हो सका। ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय पहुंच चुके थे, माना जा रहा था कि अगले 2-3 मिनट में जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले थे, अभी तक जो हमारी जानकारी है जेपी नड्डा शायद नहीं पहुंचे। अगर बाहर पहुंचे हो तो अलग विषय है, मैं चूंकि अंदर हूं मीटिंग हॉल में, पिछले 5 मिनट पहले तक नहीं पहुंचे थे, तो अब वो उनके पहुंचने पे ही ये सारा कार्यक्रम निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। गहमा गहमी बहुत तेज है, सबको इंतजार है कि कितनी जल्दी ये कार्यक्रम शुरू हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, ऑफिशियली सदस्य बने, चूंकि 13 तारीख का जो समय है, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि उनको राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की के कोटे से मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बस थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, वो नजर आ रहे हैं, और जेपी नड्डा वो भी इन तस्वीरों में आपने देखा, और बस कुछ ही देर में जो हम दिखा रहे थे आपको ऑडिटोरियम, वहां पर मंच पर ये दोनों नेता मौजूद होंगे, जहां पर आज जेपी नड्डा के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। नीरज वहां बस पहुंचने ही वाले, इस कमरे में दाखिल होने वाले हैं सिंधिया जी। बिल्कुल, आपने जो तस्वीर दिखाई वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की है और पहुंच चुके हैं। आप देखिए वो दरवाजा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दरवाजा दिखाए, और ये देखिए जो मीडिया सेल के स्टाफ प्रभारी हैं वो पहुंचे हैं अंदर, उसके बाद वो दरवाजा खुल गया है। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सब पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा खुद पहुंचने वाले हैं, मीडिया सेल के लोग अंदर आ चुके हैं, पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है, सिक्योरिटी लग गई है, और आप ये दरवाजा खुला है, कुछ ही क्षण आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा इस कमरे में दाखिल होने वाले हैं और उनके साथ ग्वालियर के महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी आ रहे हैं, और ये देखिए सिक्योरिटी दाखिल हुई और आप कुछ पल कह सकते हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।